प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये दोनों बैठकें हुई और दोनों बैठकों में आर्थिक जगत में और सामान्य आम जन के लिए अहम फैसले लिए गए। जैसे आप सबको पता है कि मोदी सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से गति से तैयार करना ये है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 12 पॉइंट प्रोग्राम रखा उसमें 111 लाख करोड़ 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना बनाई। अब इसके लिए पैसे चाहिए, दुनिया भर से चाहिए। भारत ने डेट मार्केट का, बॉन्ड मार्केट का आज तक ज़्यादा लाभ नहीं उठाया था। प्रधानमंत्री ने इसी दृष्टि से 2015 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की। उसके बाद में प्रधानमंत्री के सभी देशों के साथ जो रिश्ते बने, जो चर्चाएं हुई, उसके कारण अनेक देशों ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी निवेश करने का मन बनाया। अब इसको अमली जामा पहनने के लिए ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें आज के कैबिनेट ने निर्णय किया कि 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे क्या होगा? इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पैसा 1,10,000 करोड़ रुपए मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले तो 6000 करोड़ सरकार देगी, 7000 करोड़ रुपए ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो खुद इक्विटी के रूप में लोगों से लाएगी और फिर बॉन्ड मार्केट टैप करके लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए वहाँ से आएंगे और ये 1,10,000 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में तैयार होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाएंगे। ये फंड, तीन प्रकार के फंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने तैयार किए NIIF के अंदर, फंड ऑफ फंड, मास्टर फंड और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड। इस तीन में से जो तीसरा है स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड, उसके तहत ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगेगा। ये काम दो कंपनियां करेगी, असीम इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी जिन प्रकल्पों का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों का कार्यों शुरू हो गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके साथ साथ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये पैसा देगी। ये AA रेटेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और दूसरी कंपनी है NIIF IFL, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, NIIF का। और ये जो प्रकल्प मैच्योर हुए हैं, यानी पूरे हुए हैं, वर्किंग जिनका शुरू होगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी पैसा देगी। तो ये प्रोजेक्ट क्या दर्शाता है कि भारत के विकास पर दुनिया अब विश्वास करती है।
दूसरा भारत के विकास में दुनिया निवेश करना चाहती है और उसके साथ साथ एक विशेषता और है कि इसके लिए जो एक नया मॉडल फाइनेंस का तैयार करना चाहिए, बॉन्ड मार्केट जो हमने एक्सप्लॉइट ही नहीं किया, जो लॉन्ग टर्म मिलता है पैसा, कम ब्याज दर पर मिलता है, इसका दोहन नहीं किया था, वो अब इस योजना में होगा। जैसे आपको पता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ये वेल कैपिटलाइज फंड है, स्पेशलाइज इंफ्रा फोकस्ड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक्सपर्टाइज है, और इससे बॉन्ड मार्केट स्ट्रेंथन होगा। भारत के विकास की एक अहम जरूरत को आगे बढ़ाने का ये महत्वपूर्ण फैसला है। टुडे कैबिनेट टुक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर 6,000 crore रुपीज ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन नेक्स्ट 2 years। एज यू नो, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज क्रिएटेड इन 2015 विद द लॉन्ग टर्म एम ऑफ bringing money from all over the world through bond market for the infrastructure development. And in Atmanirbhar Bharat package, the 12-point program which has been announced, 111 lakh crore rupees are earmarked for infrastructure development. That's a huge boost for infrastructure. And that fund, out of that, nearly 70 lakh crores are expected to come from the bond market, the debt funds. And therefore, today's decision is the beginning in a major way where government will invest 6,000 crore. NIIF will mobilize 7,000 crore rupees as equity, and it will mobilize from bond markets all over the world nearly 1 lakh crore rupees. Thus, it will provide in the first tranche 1,10,000 crore rupees for infrastructure development company. This will be done through two companies, Asim Infra Finance Limited, which will finance greenfield and brownfield projects which are under construction, and NIIF IFL will finance mature operating assets. So basically, this will take care of the finance needs of infrastructure development which has been planned and which is very ambitious. Dusre ek nirnay mein महत्वपूर्ण निर्णय में लक्ष्मी विलास बैंक डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में अमालगमेट करने का निर्णय हुआ है। डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL ये प्राइवेट बैंक है और 20 लाख डिपॉजिटर्स है लक्ष्मी विलास बैंक के। 20 लाख डिपॉजिटर्स, 20,000 करोड़ डिपॉजिट्स है, 4,000 कर्मचारी नौकरी पर है। इस सबकी सुरक्षा इस निर्णय में है। डिपॉजिटर को अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बैंक में दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत अच्छे बैंक में जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, जिनका कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस है, ऐसे बैंक के साथ उनका विलय हो रहा है। और ये अमालगमेशन जो हो रहा है उससे सारे 20 लाख डिपॉजिटर्स को सुरक्षा मिलेगी। अब उनको दौड़ के अपना पैसा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी निकालना कुछ चाहता है वो कभी भी निकाल सकता है सुरक्षित रीति से।
4000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी। जिन शर्तों पर वो काम अभी कर रहे उन्हीं शर्तों पर उनकी नौकरी कायम रहेगी। इसमें सबसे बड़ा एक फैसला लिया है सरकार ने कि आरबीआई को कहा है कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। जो बैंक शुरू करते हैं और मिसमैनेज करके या डाइवर्ट करके या कोई फ्रॉड होके जो बैंक डूबने के कगार पर लाते हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आरबीआई के ओवरसाइट में भी सुधार होना चाहिए कि इसका समय पर ही पता करना होना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई ये बैंक संकट में जा रही है। तो ये संकट का एहसास अगर शुरू में ही होता है तो तुरंत उपाय किए जा सकते हैं और एक तरह से बैंकिंग सिस्टम में ये जो क्लीनिंग की जरूरत थी, क्लीनअप की जरूरत थी, साफ सफाई करने की जरूरत थी, उसका भी एक हिस्सा है। सो लक्ष्मी विलास बैंक विल बी अमालगमेटेड विद डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड, अ प्राइवेट बैंक। द 20 लाख डिपॉजिटर्स एंड 20,000 crore डिपॉजिट्स आर नाउ फुल्ली सिक्योर्ड। दे नीड नॉट वरी, दे नीड नॉट रश, देयर डिपॉजिट्स आर इन बेस्ट हैंड्स, which is a stable bank, a prosperous bank, which has an international presence, which has a very strong balance sheet, which has capital adequacy, and two more decisions have been taken that the board which has been removed, the liability will be fixed. And those who have made mistakes will be punished. And there will be improvement in overall oversight also, so as not to repeat such bank deals in future. This is one of the big efforts of cleaning up of banking system. So this is इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तीसरे निर्णय के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर में 2480 करोड़ रुपए का निवेश, विदेशी निवेश आ रहा है, उसको मंजूरी दी गई है। 5000 करोड़ से अगर ज़्यादा रुपये आते हैं तो मंजूरी कैबिनेट की लेनी पड़ती है। ये जो टेलीकॉम में टाटा की कंपनियां थी एटीसी, तो उस कंपनी के 12% शेयर्स एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड इस कंपनी ने अब लिए हैं, तो इसमें 98% अब विदेशी निवेश आया है और 50% से ज़्यादा है तो वो कैबिनेट में आता है, 5000 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो। और इसलिए इस निवेश का अर्थ क्या है? इस निवेश का अर्थ ये है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर, जैसे आपको पता है 120 करोड़ लगभग मोबाइल फोन हो गए, 75 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हो गए, तो बढ़ते टेलीकॉम सेक्टर का लोग निवेश करना चाहते हैं विदेश से, और टावर्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी ये एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड जो है वो उसके लिए विशेष प्रसिद्ध है।
वो रोबस ग्रोथ देखते हैं कि भारत में ये क्षेत्र और बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, इसकी ज़रूरत लगेगी, इसमें अच्छा खासा बिजनेस होगा, इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, इससे शोध होगा, इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी, और उससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में किस दिशा में हवा बह रही है और दुनिया का निवेश भारत में आने को कैसे आतुर है, उत्सुक है, ये इससे दिखेगा। टुडे द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अलाउड FDI बाय ATC एशिया पैसिफिक लिमिटेड टू द ट्यून ऑफ ₹2,480 crores 216 रुपीज पर शेयर फॉर परचेसिंग 12% स्टॉक ऑफ ATC टेलीकॉम। नाउ द टोटल FDI इन दिस कंपनी विल बी 5,417, इट इज़ नियरली 98%, एंड देयरफॉर इट केम बिफोर द कैबिनेट, एंड दिस शोज ग्रोइंग कॉन्फिडेंस इन टेलीकॉम सेक्टर एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। This also suggests that the international community sees to the India as a robust market, robust growth. ATC Telecom, Gus will have 90% FDI, as I said. It will improve innovations. It will spur economic growth. It shows the shape of the things to come. And therefore, all these three decisions today are very important on for the economic development of the country. Thank you. ये मेरे तरफ से इतना है, अब आपके कोई सवाल नहीं होंगे लगता है मुझे, लेकिन होंगे तो जरूर पूछिए। नंबर 10 ऋतुपर्णा देसाई फ्रॉम CNBC। सर ऑन लक्ष्मी विलास बैंक, एक मिनट, दो MOU भी हुए हैं आज, एक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ब्रिक्स देशों के साथ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स देशों के साथ 5 देश है, तो उसके साथ स्पोर्ट्स का कोऑपरेशन का एक हुआ है, और ये एक्सपेंडिंग नॉलेज एक्सपर्टीज इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कोचिंग टेक्निक्स एट्सेट्रा, और सभी देशों के कॉमन मैचेस भी होंगे, जिससे नए खिलाड़ियों को एक और अधिक अवसर मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए। और दूसरा एक मेमोरेंडम हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दूसरा नीदरलैंड्स की, ऐसी संस्था, इन दोनों में कैपेसिटी बिल्डिंग और बाकी प्रैक्टिसेस को लेकर एक दूसरे के सहयोग का भी ये हुआ है। धन्यवाद सर। सर ऋतुपर्णा डिसाइड, फर्स्टली ऑन लक्ष्मी विलास बैंक, अभी देर इज़ ए मोरेटोरियम ऑन डिपॉजिट्स, 25,000 का शायद है एक लिमिट, वो कब तक उठाया जाएगा? एंड सेकेंडली NIIF का 6,000 crore, ये कितने दिनों में ये इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी इन्फ्यूजन होएगा? नहीं, ये तो 2 साल का ही प्लान है, ये अभी जो 6,000 है इस साल, पहले 2,400 करोड़ रुपए है और अगले साल बाकी मिलेंगे, और दो उसके द्वारा ये काम पूरा होगा, और उसी के साथ साथ दूसरा निवेश भी आएगा और बाहर से भी बॉन्ड मार्केट से आएगा, तो 1,10,000 करोड़ का जो मैंने कहा वो जल्दी होने वाला। नेक्स्ट 47। सर माय क्वेश्चन इज़ इन द बैकड्रॉप ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक गोइंग अहेड। सर देयर हैव बीन ग्रेव एप्रिहेंशंस हैव हिट द हेडलाइंस बाय सम इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग फॉर्मर RBI गवर्नर एंड फॉर्मर डिप्टी RBI गवर्नर टू अ प्रपोजल ऑफ RBI प्रपोजल टू अलाउ corporate sector into banking sector. Now, may I have your comment, sir? That is different. नहीं, ये वो विषय दूसरा था,
कॉरपोरेट्स को बैंक शुरू करने की परमिशन देंगे कि नहीं, ऐसा जो न्यूज़ आई थी उस पर लोगों के रिएक्शन थे, लेकिन ये निर्णय दूसरा है। एक भारतीय निजी बैंक जो भारत में बहुत है, HDFC, ICICI से लेकर बहुत सारे बैंक है निजी बैंक यहाँ, तो ऐसे निजी बैंक में से एक बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ बैंक इंडिया लिमिटेड, उसमें उस बैंक का, लक्ष्मी विलास बैंक का अमालगमेशन हो रहा है, विलीनीकरण हो रहा है, तो ये मुद्दा है। नहीं, आई थिंक तो प्राइवेट नहीं, वो तो वो जो थी वो अपने देश की पहले से बैंक है बहुत दिन के, उसका और उसका नहीं, आपका कंफ्यूजन हो रहा है। वो जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और बाकी लोगों ने बोला वो दूसरे विषय में था, इस विषय में नहीं था। नेक्स्ट 42। NIIF, do you think it will be able to tap the bond markets globally and raise this 100 lakh in a couple of years' time? Is there yes, any absolutely. Time limit? Yeah, absolutely. Because bond market, they are aiming at 60 lakh crore. It will not be, all money will not be raised only by NIIF, but there are many instrumentalities created, and therefore, through all means, this money will be mobilized and infrastructure will have fast-paced development, as we will see.